वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे सेट क्लासेस। बिजनेस में एक चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक वाज टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सॉरी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी ये रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज को सर्च करना और उन्हें मोटिवेट करना टू अप्लाई फॉर जॉब। जब आप इम्प्लॉइज को सर्च करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं जॉब के लिए, तो सर्च करने के दो तरीके हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब आपको बताया था, जब आप इम्प्लॉइज को सर्च करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके दो तरीके, ट्रांसफर प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब क्या था, जब एक इम्प्लॉई को एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करें, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल भी बोला था। क्या बोला था? हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। इसमें कोई स्टेटस रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज नहीं आता। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, जब आप एक इंप्लॉय को एक डिपार्टमेंट से उठा एक जॉब से उठा के सीनियर जॉब के लिए शिफ्ट करें, इसको हम वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हैं। इसमें एक इंप्लॉय की प्रमोशन में क्या क्या होता है, उसकी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर स्टेटस और हायर पे होती है, इससे इंप्लॉयज मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने इंटरनल सोर्स के बेनिफिट्स या मेरिट्स पढ़े थे। कितने मेरिट्स थे इन टोटल, देयर आर 6 मेरिट्स। क्या था सबसे पहला, कि एम्प्लॉइज मोटिवेट हो जाते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, उनका प्रोसेस सिलेक्शन का बहुत सिंपल होता है, हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। इंडक्शन ट्रेनिंग कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें इसमें। रिलायबल यानी इनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। एक सोर्स से दूसरी सोर्स में शिफ्ट करना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने से क्या होता है, जहां पे ओवरबर्डन था वहां से उठा के जहां पे जरूरत थी वहां पे शिफ्ट हो सकता है, और ये हमें बहुत चीपर सोर्स मिलता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी थे, नया टैलेंट नहीं आता, नई ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज नहीं कर सकते, इंप्लॉइज लेजी हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है उनके बीच में। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब जब आप एम्प्लॉइज को सर्च कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड द, और हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि सारी वैकेंसीज इंटरनली फिल नहीं हो सकती, आपको वर्कर्स तो बाहर से भी लाने ही पड़ेंगे। अब बाहर से चूज करने के जो तरीके हैं, इन टोटल देयर आर 10 मेथड्स ऑफ चूजिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। पहले एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब पढ़ते हैं। एन एंटरप्राइज हैज टू टैप एक्सटर्नल सोर्स फॉर वेरियस पोजिशन बिकॉज ऑल वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट, क्योंकि सारी इंटरनल से फिल नहीं हो सकती। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड्स वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। चॉइस भी ज्यादा मिलती है और नए नए लोग भी आते हैं। इसके फाइव, इसके सोर्सेस क्या तरीके हैं बाहर से एम्प्लॉइज को चूज करने का। पहला है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटा, जब आप एम्प्लॉइज को सर्च करते हैं और सर्च करने के लिए आपने देखा होगा, आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस यानी बिल्डिंग के बाहर नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा देते हैं कि हमें इतने वर्कर की जरूरत है, और वो वर्कर उस दिन उस डेट पे उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन गेट पे असेंबल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और उनका ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होता है। ये जनरली किसके लिए होता है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए होता है ये, और इसको हम कैजुअल और बदली वर्कर भी बोलते हैं, क्योंकि बार बार चेंज होते रहते हैं। अभी रखा 2-3 महीने 4 महीने बाद हम इन्हें चेंज कर देते हैं, और इनको जो वेजेस दी जाती है डेली बेस वेजेस दी जाती है। समझ आ गई बात। पढ़ते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है। अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ जॉब अवेलेबल। द जॉब सीकर असेंबल आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। एक दिन इकट्ठे हो जाएंगे एंड सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होगा। द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज फॉलोड फॉर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स। सच वर्कर आर नोन एज कैजुअल और बदली वर्कर्स। दे आर पेड रेम्यूनरेशन ऑन डेली बेसिस। समझ आ गई बात। नेक्स्ट इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं बेटा, ध्यान समझेंगे। कैजुअल कॉलर्स वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और अपना रिज्यूम रिसेप्शन पे ड्रॉप कर देते हैं।
रिसेप्शन पे रिज्यूम ड्रॉप किया, या फिर जो पिछले साल के सिलेक्शन प्रोसेस में अच्छे कैंडिडेट्स तो थे बट वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे क्योंकि उनसे बेटर मिल गए थे हमें, तो उनका नाम हम वेटिंग लिस्ट में रख लेते हैं, वो भी हमारे कैजुअल कॉलर्स में आते हैं। इसका मतलब कैजुअल कॉलर में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो अपना रिज्यूम रिसेप्शन पे ड्रॉप कर गए और एक प्रीवियस ईयर के वेटिंग कैंडिडेट्स, वो सब कैजुअल कॉलर का पार्ट होते हैं। और ये जो लिस्ट होती है जनरली कौन मेंटेन करता है, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास इस तरह की लिस्ट रखती है। देखो क्या लिखा है, जनरली सर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स एन एप्लीकेशन फाइल इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन विच द जॉब सीकर लीव विद द रिसेप्शन। सारी एप्लीकेशन जो रिसेप्शन पे पड़ी है वो समटाइम द एप्लीकेशन ऑफ सूटेबल कैंडिडेट हु वर नॉट सेलेक्टेड इन प्रीवियस ईयर सिलेक्शन प्रोसेस, सेलेक्ट नहीं हुए थे पर वो सूटेबल थे, आर ऑल्सो केप्ट इन द एप्लीकेशन फाइल। हम उस एप्लीकेशन फाइल में उनकी भी लिस्ट रखते हैं। तो दो तरह के कैंडिडेट हो गए, एक तो रिसेप्शन पे जो रिज्यूम ड्रॉप कर गए, प्लस पिछले साल के सूटेबल कैंडिडेट हु वर नॉट सेलेक्टेड। दिस एप्लीकेशन फाइल इज कंसिडर्ड एज वेटिंग लिस्ट। इस एप्लीकेशन फाइल को हम क्या बोलते हैं, वेटिंग लिस्ट भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, अलग से याद आता है व्हाट इज कैजुअल कॉलर्स। क्लियर। तीसरा तरीका एडवर्टीजमेंट। बेटा एडवर्टीजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, एडवर्टीजमेंट मीन्स एडवर्टीजमेंट इज न्यूज पेपर मैगजीन और जर्नल्स, उसमें जो एडवर्टीज दे रहे हैं। आप टीवी एडवर्टीजमेंट की बात नहीं कर रहे, इसमें जो एडवर्टीजमेंट इन टीवी है वो पॉइंट नंबर 10 लिखा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपका एडवर्टीजमेंट प्रिंट मीडिया का एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट देने से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फायदे होते हैं, एक तो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ जाते हैं क्योंकि एडवर्टीजमेंट की कवरेज ज्यादा होती है। दूसरा, एडवर्टीजमेंट में हम अपनी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं, डिटेल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज अबाउट द जॉब, किस तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और किस तरह का वर्कर हमें चाहिए। हम उसमें एक्सपेक्टेड सैलरी भी बता सकते हैं कि हम कितने से कितने तक की देंगे, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें डिटेल दी जाती है। तो ये तो फायदा है, पर एक नुकसान भी एडवर्टीजमेंट का, कई बार क्या होता है फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स का फ्लड, बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं एंड मेनी अ टाइम अनसुटेबल कैंडिडेट, और उसमें से ज्यादातर कैसे होते हैं अनसुटेबल, बेकार के कैंडिडेट जो न्यूज पेपर में देखते हैं इस चीज की वैकेंसी हो गया तो चल एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, क्या पता हो जाए, तो ऐसे प्रॉब्लम भी आती है। समझ आ गई बात, पढ़ते हैं देखो क्या लिखा है। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर और जर्नल और प्रोफेशनल जर्नल इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइड चॉइस इज रिक्वायर्ड। कब यूज किया जाता है, जब जनरली हमें वाइड चॉइस चाहिए। द एडवांटेज ऑफ एडवर्टीजमेंट वेकेंसी इज दैट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब कैन बी गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। आप उसमें डिटेल एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। एडवर्टीजमेंट गिव्स द मैनेजमेंट अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम विच टू चूज, कह रहे आपको वाइडर रेंज मिलती है जिसमें चूज करना है, बट समटाइम दिस कॉज अ डिसएडवांटेज दैट इट मे ब्रिंग फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स एंड मेनी टाइम्स अनसुटेबल कैंडिडेट। फ्लड आता है और साथ में ज्यादातर कैसे लोग होते हैं, जो अनसुटेबल होते हैं। क्लियर। पॉइंट नंबर 4 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, पॉइंट नंबर 5 प्लेसमेंट एजेंसी। दोनों का फर्क समझना बेटा, दोनों का काम एक ही है, वो जॉब सीकर यानी कि जो जॉब ढूंढ रहा है और जॉब प्रोवाइडर यानी कि जिसके पास वैकेंसी है, उन दोनों के बीच में क्या करते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं। दोनों बेसिकली लिंक ही है, जिसको जॉब चाहिए और जिसके पास जॉब है, दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या फिर प्लेसमेंट एजेंसी। दोनों मिडिलमैन की तरह काम करते हैं। फर्क क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करती है, कैंडिडेट्स के रिज्यूम बायो डेटा अपने पास रखेगी और जैसे ही किसी को वर्कर की जरूरत होती है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास आते हैं, ये उन्हें उनके रिज्यूम फॉरवर्ड करता है और आपको जॉब दिलाता है विद इन योर एरिया, आपके एरिया में ही। ये जनरली कौन से होते हैं, ये जनरली होते हैं गवर्नमेंट, आपसे बहुत नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं 50 और 100 रुपीस, ये हर सिटी में होता है। तो हर सिटी में अगर अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा सरकार का तो
वो जो जॉब दिलवाएगा कहां दिलवाएगा, अपने सिटी में। पर जो प्लेसमेंट एजेंसी है वो क्या करती है, फिर फर्क क्या है सर? वो भी जॉब दिलवाती है, वो भी जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर के बीच में लिंक है, पर वो प्राइवेट भी होती है और वो गवर्नमेंट भी होती है। तो इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क सिर्फ एक है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी है आपको नेशन वाइड सर्विसेज देती है, और साथ साथ जैसे वर्कर की जरूरत है वैसे वर्कर बना के भेजती है वो। मतलब वो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करवा देते हैं, लाइक आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस जिसको टैली की नॉलेज हो, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या करते हैं, वो जो प्लेसमेंट एजेंसी है वो क्या करेगी, आपको कंप्यूटर की नॉलेज के साथ साथ आपको टैली का कोर्स करवा देंगे, और फिर कहेंगे भाई टैली हो गई ना, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता। यानी कि ये डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बनाते हैं, फिर वर्कर को ज्वाइनिंग दिलाते हैं और बदले में ही अपनी कमीशन चार्ज करते हैं। समझ आ गई बात? पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन जॉब सीकर एंड द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव वेकेंट जॉब पोजीशन। जिसके पास वैकेंसी है और जिसको जॉब चाहिए, दोनों के बीच में लिंक है। द जॉब सीकर लीव देयर बायोडेटा एंड डिटेल ऑफ देयर क्वालिफिकेशन विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वो अपना बायोडेटा छोड़ेंगे। एंड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द सुटेबल कैंडिडेट्स आर सेंट। जैसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी वो वहां पे सुटेबल कैंडिडेट्स को भेज देगा। देयर आर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दोनों होते हैं। नेक्स्ट प्लेसमेंट एजेंसी, ये कैसी सर्विस देते हैं? दे प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विसेज ऑफ मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। उनके बीच में क्या कराता है? मैच कराता है, कैसे वर्कर हैं और कैसे वर्कर की जरूरत है, दोनों के बीच में मैच करवाएगा। द एजेंसीज इनवाइट बायोडेटा फ्रॉम द वेरियस जॉब सीकर एंड सेंड देम टू सुटेबल क्लाइंट। वो मंगाता है और बायोडेटा खुद ही फॉरवर्ड कर देता है। समझना फर्क, एक ये फर्क आया के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है बायोडेटा मंगा के अपने पास रख लेगी, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी तब देगी, पर प्लेसमेंट एजेंसी क्या कर रही है, बायोडेटा मंगाएगी और साथ के साथ फॉरवर्ड करती रहती है कि किसी को जरूरत हो तो मैसेज करना। यानी कि इनिशिएटिव खुद ले रही है प्लेसमेंट एजेंसी, क्यों? क्योंकि वो बदले में क्या चार्ज करने वाली है, उसे लगता है कि जितने ज्यादा लोगों की प्लेसमेंट कराऊंगा उतनी ज्यादा मेरी भी तो इनकम होगी। दीज एजेंसीज चार्ज अ फीस फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। समझ आ गई बात? आज हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।